नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। अब मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का खैर मकदम करती हूं मैं। दोस्तों, हमारे संविधान में बहुत सारे हमको अधिकार मिले हुए हैं, बहुत सारे उसमें कानून हैं। कानून की बात कहिए तो आप सांस ले रहे हैं, इस पर भी कानून है। अब आप कहेंगे कि सांस पे कानून कैसे है, तो दोस्तों आप साफ और स्वच्छ हवा में सांस लें, इसके लिए पेड़ों का कटान, उसके लिए कानून है। प्रावधान ये है कि अगर आप पेड़ काटते हैं, हरा पेड़ काटते हैं, तो उसके लिए आपको सजा दी जाएगी, तो ये कानून है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको पता है ना। लेकिन आज जिस कानून का जिक्र होने जा रहा है इस खबर में, वो है क्या भारत से बाहर जिंदा मानव भ्रूण को ले जाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रूण को लेके जाने की क्या जरूरत है, या मतलब उसे देश से बाहर क्यों लेके जाया जा रहा है, भ्रूण तो माँ के पेट में ही रहता है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सारा माजरा क्या है। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, बहुत जानकारी है इसमें। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि भ्रूण वाला जो मामला है क्या। जिंदा मानव भ्रूण को कैलिफोर्निया भेजने की मांग को लेकर के एक पेटिशन यानी कि एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है। यानी कि कोर्ट से ये गुजारिश की गई है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC जारी करने का आदेश दिया जाए, और इस मामले की सुनवाई ये आने वाली 20 तारीख को है। आज 11 तारीख है और 20 तारीख को इस मामले पे सुनवाई होगी। अब मैंने दो लाइन की आपको खबर बताई है, लेकिन आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे। ये भ्रूण क्या होता है, इसे भेजने की मांग क्यों की गई है। मैं आपको बताती हूँ कि जो एक नन्ही सी जान होती है औरत के फर्टिलाइज्ड एग से निकलकर यूट्रस की दीवार पे चिपकती है, उसे भ्रूण कहते हैं। यानी कि माँ के गर्भ में 8वें सप्ताह से लेकर के पैदा होने तक जो एक अस्तित्व होता है पेट में, उसको भ्रूण कहते हैं। हम लोग तौर पे जो उसे हम बच्चा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भ्रूण ही होता है। दरअसल ये मामला सरोगेसी से जुड़ा हुआ है। पेटिशन दायर करने वाले एडवोकेट परविंदर सिंह का ये कहना है कि सरोगेट माँ कैलिफोर्निया में रहती है, इसलिए जिंदा भ्रूण को एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कपल है, उनके जो वकील हैं, उनका ये कहना है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सरोगेट माँ के साथ दोबारा समझौता किया गया, और ऐसे में अगर ज़रा भी देरी होती है तो भ्रूण भी खराब हो सकता है, और उनका जो समझौता पूर्व में किया हुआ है वो भी खराब हो सकता है। हो सकता है कि मतलब सरोगेट जो मदर है, जो उन्होंने चूज की हुई पहले, वो सरोगेसी के लिए मना कर दे। अब मैंने इतनी बात आपको बताई तो आप सोच रहे होंगे कि सरोगेसी क्या है। तो दोस्तों, सरोगेसी यानी कि किराए की कोख। हर चीज किराए पे मिलती है, अब ये भी एक नया चलन है। कई बार बहुत सारे कपल जो है इन्हीं वजहों के कारण बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। कई वजह होती है, माता पिता नहीं बन पाते, तब बच्चा पैदा करने के लिए कपल दूसरी महिला को, उसकी जो कोख होती है उसको, उसके गर्भाशय को काम में लिया जाता है, और बच्चा पैदा करने का एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें अपनी कोख देने वाली महिला और बच्चा दोनों शामिल होते हैं। इस तरह से गर्भ में पलने वाले बच्चे के पैदा होने को सरोगेसी कहते हैं। जो इस बच्चे को पैदा करती है वो सरोगेट मदर कहलाती है। दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालने वाली महिला जो है, कई मायने में बहुत महान है। भले ही हम इसे कमर्शियल चश्मे से देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका समर्पण बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है और उसके माता पिता उसको ले जाते हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया होता है। इस बात पे कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सरोगेसी में महिला का एग
और पुरुष का एग, दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है, फिर इसे सरोगेट मदर के गर्भ में डाल दिया जाता है। सबसे पहले जो है ये प्रक्रिया होती है, और उसके बाद अगर उनमें से कोई एक या दोनों बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, तब डोनर एग के जरिए भी ये क्रिया की जाती है। सरोगेसी से होने वाले बच्चे के कानूनी माता पिता को जो कपल होते हैं सरोगेसी करवाते हैं। सरोगेट मदर और सरोगेसी करने वाले कपल के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। जेस्टेशनल सरोगेसी होती है एक, तो जिसमें माँ और पिता बनने वाले जो कपल होते हैं उनके एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करके सरोगेट माँ के यूट्रस में टेस्ट ट्यूब बेबी के टेस्ट ट्यूब के जरिए उसको रखा जाता है, और इस प्रोसेस को सरोगेट माँ बच्चे की बायोलॉजिकल माँ नहीं होती, क्योंकि उसमें स्पर्म और माँ के एग जो है उसमें डाले जाते हैं। उस महिला का उसमें कोई रोल नहीं होता, केवल उसकी यूटरस का इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल सरोगेसी जिसमें पिता बनने वाले या डोनर का स्पर्म सरोगेट माँ के एग से मैच कराया जाता है, और इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन प्रोसेस के जरिए इसे किया जाता है, यानी कि स्पर्म को सीधे मदर के यूटरस में एग से मैच कराया जाता है। इस तरीके से इसमें ये जो सरोगेट मदर होती है उसकी बायोलॉजिकल माँ होती है। हालांकि भारत में इस प्रोसीजर का 10 से 25 लाख रुपए का खर्चा है, और देश के जो दूसरे देश हैं विदेशों में इसका अलग अलग चार्ज है, करीब 60 लाख रुपए तक भी इसमें लग जाते हैं इच्छुक माता पिता के। अब मेडिकली ऐसा करना पॉसिबल है, मैं पॉइंट पर आती हूँ, मेडिकली ऐसा करना पॉसिबल है, लेकिन कानून आप ऐसी करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आसानी से इस बात की परमिशन मिल जाती है तो आप ये समझिए कि जो दूसरे ऑर्गन है, ह्यूमन ऑर्गन है जिनकी तस्करी होती है, उसमें एक ऑर्गन और शामिल हो जाएगा, ये भ्रूण का, और इसे पैसे कमाने के का एक जरिया भी बना लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट यानी के ARTE 2021 आने के बाद इस पर कोई रोक लगाई गई है। दरअसल इस केस में ऐसा हुआ कि जिस माता पिता ने पेटिशन दायर की, उन्होंने उस वक्त सरोगेसी के लिए कैलिफोर्निया में एक महिला को चुना था। भारत में सरोगेसी को लेकर के कोई कानून नहीं था, और सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 में लोकसभा में पास हुआ था, और इसके नियम बदल गए। उन्हीं में से एक था कि कमर्शलाइजेशन पर रोक लगे। यही वजह है कि अब ये मामला जो है कोर्ट में पहुंच चुका है, जिसकी मैंने अभी बात की है, और जिसकी सुनवाई 20 जुलाई को होनी है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के फॉरेन ट्रेड रूल्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने भ्रूण एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी है, लेकिन इसके लिए मकसद बताना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में, NOC लेना ज़रूरी है। और अगर अपना मकसद आप साबित कर देते हैं तो अगर आप इसमें इस पूरे प्रोसेस में सफल हो जाते हैं तब आपको NOC मिल जाती है। तो NOC लेने के लिए ही ये पेटिशन डाली गई है दोस्तों, और इसी के बहाने मैंने ये चर्चा भी कर दी कि सरोगेसी क्या है, रूल क्या है, और क्यों ऐसा होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे बातों पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होनी है, और वो ये चाहते हैं कि NOC जारी करने के लिए आदेश दिया जाए। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है दोस्तों। 20 तारीख को मैं फिर से आपको इस बारे में बताऊँगी कि इसमें क्या हुआ। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक जय हिंद, जय भारत।